श्रावक संबोध की श्रृंखला का क्रम चल रहा है, जिसमें हम गणाधिपति श्री तुलसी ने श्रावकों के लिए जो अपेक्षित दिनचर्या है, अपेक्षित गुण हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम समझेंगे नौ तत्वों को, श्रावकों में नौ तत्वों का चिंतन क्यों होना चाहिए, नौ तत्व होते क्या हैं, उनका सतत चिंतन क्यों आवश्यक है। श्रावक संबोध में दोहा आता है, जानू जीव अजीव मैं, पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निर्जरा, बंद मोक्ष विख्यात। इस दोहे में जो नौ तत्व हैं उनके नामों का समावेश किया गया है, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये नौ तत्व हैं जिनका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। नौ तत्व में प्रमुख रूप से दो तत्व ही होते हैं, जीव और अजीव। जीव और अजीव को जाने बिना एक श्रावक संयम को नहीं जान सकता। जो जीवे वीन याणाई, अजीवे वीन याणाई, जीवा जीवे अयाणंतु, कहम सो नाहिर संयमम। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीव अजीव को नहीं जानता, वो संयम को कैसे जान सकता है। अतः जीव अजीव का ज्ञान एक श्रावक के लिए अति महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से जीव और अजीव होते हैं, बाकी इनका विस्तार है। जैसे नौ तत्व कहा गया तो ये जीव अजीव का विस्तार है, छह द्रव्य कहा गया ये जीव अजीव का विस्तार है। जब विश्व की संरचना को समझना हो तो छह द्रव्य आवश्यक होते हैं, और जब जीव से मोक्ष तक की यात्रा को समझना हो तो नौ तत्व आवश्यक हैं। नौ तत्वों में पहला तत्व है जीव और लास्ट अंतिम तत्व है मोक्ष। एक जीव, एक आत्मा, एक चेतना युक्त आत्मा कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, इसको जानने के लिए नौ तत्वों का ज्ञान अनिवार्य होता है। पहला तत्व जीव। जीव का मतलब होता है जिसमें चेतना होती है। जीव मतलब एक आत्मा, द्रव्य आत्मा, जिसमें चेतना होती है। इसके 14 भेद बताए गए हैं, इंद्रियों के आधार पर जो जीवों के भेद किए गए हैं उसके आधार पर जीव को 14 भागों में विभक्त किया गया है। एकेंद्रीय दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म एकेंद्रीय, बादर एकेंद्रीय। द्विंद्रीय के दो भेद बताए गए हैं, त्रिंद्रीय के दो भेद, चतुरिंद्रीय के दो भेद, असंगी पंचेंद्रीय और संगी पंचेंद्रीय के दो दो भेद। दो दो भेद सभी इंद्रिय वाले जीवों के किस आधार पर किए गए हैं, पर्याप्तियों के आधार पर, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। इंद्रियों के आधार पर जो पांच प्रकार के जीव होते हैं उनको पर्याप्ति और अपर्याप्ति के द्वारा दो दो विभागों में बांटा गया है, पर्याप्ति और अपर्याप्ति। पर्याप्ति क्या होती है, जो जीव शरीर लेता है तो उसको चलाने योग्य पुद्गल जो ग्रहण करता है वो पर्याप्ति होती है। छह प्रकार की पर्याप्तियाँ बताई गई हैं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मना पर्याप्ति, जिसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम 25 बोल वाली सीरीज़ में लेंगे। तो इस तरह से जीव के 14 भेद किए गए हैं। असंगी क्या होते हैं, संगी क्या होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय मतलब ऐसे जीव जिनमें मन नहीं होता है, जो गर्भस्थ नहीं होते हैं,
जो मनुष्य के मल मूत्र से उत्पन्न होते हैं। संघीय पंचेंद्रिय ऐसे जीव जिनके मन होता है जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं उन्हें संघीय कहते हैं। दूसरा तत्व है अजीव, नॉन लिविंग मैटर्स। अजीव क्या होते हैं? जिसमें चेतना नहीं होती है। धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशतिकाय, काल एवं पुद्गलास्तिकाय, ये पांच अजीव तत्व बताए गए हैं। इसका विस्तृत विवेचन हम 25 बोल की सीरीज में करेंगे। तीसरा तत्व है पुण्य। पुण्य मतलब जो हमने पहले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, शुभ कर्मों का उदय में आना पुण्य होता है। पुण्य के जो प्रकारों का वर्णन किया है, ये सब श्रावकों को जानना क्यों ज़रूरी है या किसी व्यक्ति को जानना क्यों ज़रूरी है कि हम एक जीव हैं, हम एक चेतना युक्त शरीर आत्मा हैं, तो हम ऐसे क्या कर्म करें जिससे हमें पुण्य का बंध हो। तो पुण्य का इस दृष्टि से पुण्य को जानना अति महत्वपूर्ण है। 9 तरह के पुण्य हैं, अन्न पुण्य, पान पुण्य, स्थान पुण्य, शैया पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। अन्न यानी खाना, पान यानी पानी, स्थान मतलब ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान, शैया सोने के लिए स्थान, वस्त्र कपड़े, और मन वचन काया से उनके लिए अच्छी विचारों और उनके लिए सेवा भावना के बारे में सोचना, और नमस्कार उनका आदर सत्कार करना। जो ये 9 भेद बताए गए हैं पुण्य के, ये लक्ष्य मुनि को ध्यान में रख के किए गए हैं। जो एक मुनि होता है, जो साधु महाराज होते हैं, उनको ही अन्नपान आदि की आवश्यकता होती है, उन्हें हमारे पौद्गलिक सुख नहीं चाहिए। अतः यदि आवश्यकता अनुसार अन्न पान आदि का दान देना, और जब जो हमने दान दिया है मुनि को, मन वचन तथा काया की प्रवृत्ति को शुद्ध रखते हुए दान देना और साधु को नमस्कार करना, यह श्रावक जीवन का अंग होता है और ये श्रावकों को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि धर्म और पुण्य में क्या डिफरेंस है। धर्म, 2 तरह के धर्म बताए गए हैं, संवर धर्म, निर्जरा धर्म। संवर धर्म क्या है? आत्मा की वो अवस्था जिसमें कर्मों का निरोध होता है। कर्म का निरोध, कर्म को रोकने वाली आत्मा की अवस्था संवर है। अर्थात आश्रव, मिथ्यात्व, आवृत, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 आश्रवों का निरोध करना, इनको रोकना, आत्मा के द्वारा इनको रोकना संवर धर्म है। और मन वचन काया का शुभ योग, शुभ प्रवृत्ति करना, ये निर्जरा धर्म है। 2 तरह के धर्म हुए, संवर धर्म और निर्जरा धर्म। मन वचन काया की शुभ योग, जिससे कर्मों का बंधन से मुक्त होगी ये आत्मा, वो है निर्जरा धर्म। शुभ योग जो होते हैं उसके द्वारा पुण्य का बंध होता है, मतलब आत्मा में कर्म बंध हो रहा है, तो ये शुभ योग आश्रव हैं, और जब ये उदय में आएंगे तो ये हमें पौद्गलिक सुख देंगे। और हमारा लक्ष्य पौद्गलिक सुख नहीं है, अलौकिक सुख है, मोक्ष है, तो वो हमें संवर धर्म और निर्जरा धर्म के माध्यम से प्राप्त होगा। धर्म आत्मा का उज्जवल परिणाम है, जो आत्मा को ऊपर की ओर ले जाता है, आत्मा को उज्जवल करता है, हमारी सोल पावर को इंक्रीज करता है, वो धर्म है जो हमें मोक्ष की तरफ ले जा रहा है। पुण्य क्या है? पुण्य पौद्गलिक सुख है। पौद्गलिक मतलब मटेरियलिस्टिक, भौतिक सुखों को देने वाला, वो पुण्य है।
अगला तत्व है पाप। पाप मतलब जो जीव अशुभ कर्म करते हैं। अशुभ कर्म मतलब आश्रव, मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग में जो हमेशा प्रवृत्त रहते हैं, उससे उनके अशुभ योग का बंध होता है। और जब ये अशुभ कर्म उदय में आकर अपना फल देते हैं तो उसे पाप कहते हैं। 18 तरह के जो कर्म होते हैं, 18 पाप, सावध योग, वो अशुभ कर्म, वो पाप हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अधतादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या, दर्शन, छल, ये 18 पाप हैं। इन प्रवृत्तियों में मन, वचन, काया को लगा देना अशुभ योगों का उदय होता है। और अशुभ योग जब फल में आते हैं तो वे पाप कहलाते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति को, एक श्रावक को पाप और पुण्य का अंतर पता होना चाहिए। उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि क्या करने से हम पाप के भागीदारी बन रहे हैं और क्या करने से हमें पुण्य प्राप्त होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण तत्व है आश्रव, इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा, कर्मों को ग्रहण करती हुई आत्मा की अवस्था, कर्मों को ग्रहण करना। पांच तरह के कर्मों को ग्रहण करना। आश्रव पांच तरह के होते हैं, मिथ्यात्वाश्रव, अव्रत आश्रव, प्रमाद आश्रव, कषाय आश्रव और योग आश्रव। मिथ्यात्व मतलब विपरीत श्रद्धा रखना, देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा नहीं होना मिथ्यात्व आश्रव है। अव्रत आश्रव, जो हमारे भौतिक सुख हैं, पौद्गलिक सुख हैं, उनके लिए हमेशा तत्पर रहना, उन्हें प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना और प्रत्याख्यान, अवृत आदि नहीं करना। प्रमाद आश्रम आश्रव, धर्म के प्रति जागरूकता नहीं होना, धर्म के प्रति उत्साह नहीं होना। कषाय, चार प्रकार के कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। जब एक जीव मन, वचन, काया से कषायों से युक्त प्रवृत्ति करता है तो वो कषाय योग आश्रव हैं। योग आश्रव, मन, वचन, काया का योग, ये शुभ योग आश्रव भी है, अशुभ योग आश्रव, दो तरह के भेद बताए गए हैं। शुभ योग, जब मन, वचन, काया का जो प्रवृत्ति है वो शुभ होती है तो वो शुभ योग आश्रव होते हैं और वो उससे निर्जरा होती है। शुभ योग आश्रव नहीं किंतु वह शुभ कर्म बंध उनके कारण होता है, इसलिए वह शुभ योग आश्रव हैं। शुभ योग से निर्जरा भी होती है और शुभ योग से कर्मों का बंध भी होता है, पुण्य बंध होता है। इसलिए शुभ योग मुक्ति में साधक भी है और मुक्ति में बाधक भी है। अतः श्रावक को इस बात के प्रति सचेत होना चाहिए कि वो जो कैसे कर्म वो कर रहे हैं, कैसे कर्मों को वो ग्रहण कर रहे हैं, उनके मन, वचन, काया की प्रवृत्तियां किस ओर जा रही हैं, तो उससे पांच तरह के आश्रवों से बचना चाहिए। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, इन पांच तरह के आश्रवों से अपनी आत्मा को बचाना चाहिए। इसका विस्तृत विवेचन हम अगली 25 बोल वाली सीरीज़ में करेंगे। अगला तत्व है संवर, स्टॉपेज ऑफ कर्मा, कर्मों को रोकने वाली आत्मा की स्थिति का नाम है संवर। पांच तरह के आश्रव बताए गए हैं तो उनका जो प्रतिपक्षी होते हैं
वो समवर होता है। मिथ्यात्व के प्रतिपक्षी हुआ सम्यक्त्व, अव्रताश्रव का प्रतिपक्षी हुआ व्रत संवर, प्रवाद प्रमाद आश्रव का प्रतिपक्षी हुआ अप्रमाद संवर, कषाय आश्रव का प्रतिपक्षी अकषाय संवर और योग आश्रव का प्रतिपक्षी हुआ अयोग संवर। एक श्रावक को देव गुरु और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, सम्यक्त्व ही होना चाहिए। पहला संवर, उसे अपनी आत्मा में ऐसे विचारों को पोषित नहीं करना चाहिए जो मिथ्यात्व की तरफ उसे ले जाएं। व्रत संवर, अपने जीवन में त्याग तपस्या को महत्व देना व्रत संवर। अप्रमाद संवर, एक श्रावक को हमेशा धर्म के प्रति उत्साहित रहना चाहिए और धर्म का प्रचार प्रसार करना अप्रमाद संवर। अकषाय संवर, क्रोध मान माया लोभ इसको शांत करना और मन वचन काया की प्रवृत्तियों को रोकना अयोग संवर है। अगला महत्वपूर्ण तत्व है निर्जरा, इरेडिकेशन ऑफ कर्मा। कर्मों को हम कैसे कम कर सकते हैं जो हमारे आत्मा में कर्म लगे हुए हैं। जैसे एक बर्तन गंदा हो जाता है, उसी तरह से हमारी आत्मा इन कर्मों के कारण से मैली हो गई है। तो उस मैल को हमें कैसे निकालना है और कैसे हम अपनी आत्मा के उज्जवल स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, उसका माध्यम है निर्जरा। निर्जरा के 12 भेद बताए गए हैं, अनशन उनोद्री भिक्षाचरी रस परित्याग काय क्लेश प्रतिसंलीनता। ये 6 भेद बाह्य तपस्या के हैं और अगले 6 भेद आंतरिक तपस्या के हैं, प्रायश्चित विनय व्यायावृत व्युत्सर्ग ध्यान और स्वाध्याय। ये आंतरिक तपस्या के 6 भेद हैं। अनशन, अनशन का मतलब है कि हम अपने आहारों की संख्या पे नियंत्रण करें। उनोद्री, जितनी मात्रा में हमें भोजन की आवश्यकता है उसमें उसकी मात्रा उसको कम करना उनोद्री है। भिक्षाचरी, श्रावक को भिक्षाचरी यानी अभिग्रहों को भी पालना चाहिए। रस परित्याग, जो हमारी मन पसंद चीज़ें हैं उनका कभी कभी त्याग करना, काय क्लेश करना, शरीर के ममत्व को त्यागना काय क्लेश है। मतलब आसन करना, योग प्राणायाम करना, प्रतिसंलीनता, इंद्रियों के जो अपने विषय हैं उन विषय से इंद्रियों को दूर रखना यानी अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना, इंद्रियों का कंट्रोल करना प्रतिसंलीनता है। प्रायश्चित मतलब जो अकरणीय आचरण था, जो काम हमें नहीं करना चाहिए था और यदि हमने कर लिया है तो उसके लिए प्रायश्चित लेना। विनय, हमें अपने ईगो को ख़त्म करने का प्रयास करना और सबके प्रति, प्राणी मात्र के प्रति विनय का भाव रखना। व्यायावृत, आचार्य साधु आदि की सेवा करना। ध्यान एवं स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी करना, अपने आप का चिंतन करना, अपनी आत्मा किस ओर जा रही है, हमारी जो मन वचन काया की प्रवृत्ति है वो अशुभ की ओर जा रही है या शुभ की ओर जा रही है। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। ध्यान, मेडिटेशन करना, मेडिटेशन करना सबसे पहले कायोत्सर्ग करना, काया का उत्सर्ग करना, उसके बाद दीर्घ श्वास प्रेक्षा, फिर ज्योति केंद्र प्रेक्षा के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर में जाकर, अपनी आत्मा में जाके अपने संस्कारों को परिवर्तित करना ध्यान है। व्युत्सर्ग क्या है, काया की प्रवृत्ति आदि। व्युत्सर्ग मतलब छोड़ना, किसको छोड़ना, जो हमारी अशुभ प्रवृत्तियां हैं, जो हमारी कषाय युक्त आत्मा की स्थिति है उनको छोड़ना व्युत्सर्ग है। अगली श्रृंखला में पंचास्तिकाओं को समझने का प्रयास करेंगे।
आप सभी से अनुरोध है कि अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा, ताकि मैं अपनी प्रस्तुति और वीडियो के कंटेंट्स में अपेक्षित इम्प्रूवमेंट कर सकूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जिनेंद्र।